पहली गारंटी है दिल्ली को सुंदर बनाएंगे। बहुत दुख होता है चारों तरफ कूड़ा कचरा, कूड़े के पहाड़, कूड़ा ही कूड़ा है, कूड़ा ही कूड़ा है, कीचड़, नालियां भरी पड़ी हैं। दिल्ली को साफ और सुंदर बनाएंगे। कोई भी आएगा आप खुद के लिए भी गर्व की बात होगी, साफ सुथरी सड़कों पे चलेंगे, मन लगेगा, और बाहर से भी कोई आएगा कहेगा हाँ यार दिल्ली सुंदर शहर हो गया। अब पहली चीज़ कि दिल्ली में जो तीनों कूड़े के पहाड़ हैं इनको ख़त्म करेंगे, सड़कों और गलियों की शानदार साफ सफाई करेंगे। बहुत गंदी रहती हैं, साफ सफाई नहीं होती। अपने जो झाड़ू और मेहनती सफाई कर्मियों के साथ मिलके हम सड़कों और गलियों की शानदार सफाई करेंगे। दूसरा, भ्रष्टाचार मुक्त MCD होगी। दूसरी गारंटी है भ्रष्टाचार मुक्त। ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा स्पेशली भ्रष्टाचार होता है, तो बिल्डिंग में जितनी नई बिल्डिंग और मकान के नक्शे पास किए जाते हैं उनके प्रोसेस को बेहद सरल बनाएंगे, और आपको नक्शे पास कराने का सारा प्रोसीजर ऑनलाइन करेंगे ताकि आपको कम से कम इंटरेक्शन करना पड़े। जैसे दिल्ली के विभागों में हमने किया, कई सारे डिपार्टमेंट ही बंद कर दिए, सब कुछ ऑनलाइन होता है, आपको किसी दलाल के चक्कर नहीं काटने, किसी अफसर के चक्कर नहीं काटने, घर बैठे सारा काम हो जाता है। ऐसे ही नई बिल्डिंग और मकान के नक्शे पास कराने की प्रक्रिया को बेहद सरल किया जाएगा। तो एक इसके ऊपर पॉलिसी स्कीम लाई जाएगी कि जो छोटे मोटे वायलेशंस किए हुए हैं लोगों ने उनको रेगुलराइज करने के लिए एक मुश्त छोटी मोटी फीस या पेनल्टी ले लेंगे और सब लोगों का वो रेगुलराइज हो जाएगा ताकि जनता को किसी तरह की ब्लैकमेलिंग का शिकार ना होना पड़े। पार्किंग की समस्याओं से मुक्ति दिलाएंगे। दिल्ली में पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ये तीसरी गारंटी है, पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसका स्थायी और व्यवहारिक समाधान निकाला जाएगा। चौथा, आवारा पशुओं से दिल्ली के लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। आवारा कुत्ते हैं, गायें हैं, बंदर हैं, इनकी समस्या से दिल्ली को निजात दिलाई जाएगी। पांचवा, जितनी नगर निगम की सड़कें और गलियां हैं वो सारी टूटी फूटी हैं, उनको ठीक कराएंगे, अच्छा कराएंगे, रिपेयर कराएंगे, दोबारा बनवाएंगे। छठा, नगर निगम के स्कूलों की और नगर निगम के अस्पतालों डिस्पेंसरियों की भी बहुत बुरी हालत है। दिल्ली के सरकार के हमने सारे स्कूल और अस्पताल अच्छे कर दिए, उसी तर्ज पे नगर निगम के स्कूल और अस्पताल भी शानदार बनाएंगे। सातवां, जितने पार्क हैं नगर निगम के उतना बुरा हाल है पार्कों का, दिल्ली के सारे नगर निगम के भी सारे पार्कों को शानदार बनाएंगे, और मेरा सपना है कि दिल्ली को पार्कों की नगरी बनाया जाएगा, सुंदर साफ सुथरे पार्कों की नगरी बनाया जाएगा। आठवां, जितने कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाएगा, और अभी कई कई महीनों तक कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिलती, सबके अकाउंट में पहली तारीख पहले हफ्ते के अंदर 7 तारीख के पहले पहले अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। कहीं से लाऊं मैं पैसे? लेकिन ये मेरी गारंटी है कि हर कर्मचारी को टाइम पे तनख्वाह मिलनी चालू हो जाएगी। नौवां, व्यापारी बहुत दुखी हैं MCD से। व्यापारियों को मैं खासकर कहना चाहता हूँ, आपको लाइसेंस लेने पड़ते हैं, उसमें पैसे देने पड़ते हैं, धक्के खाने पड़ते हैं। लाइसेंस लेने की पूरी प्रक्रिया को इतना सिंप्लीफाई कर देंगे और ऑनलाइन कर देंगे कि आपको ऑटोमेटिक लाइसेंस मिलने चालू हो जाएंगे। कन्वर्जन फीस के नाम पे आपसे पैसे वसूले गए, पार्किंग फीस के नाम पे पैसे वसूले गए, ये ख़त्म कर देंगे कन्वर्जन फीस और पार्किंग फीस। और जितना इंस्पेक्टर राज है, इंस्पेक्टर राज को ख़त्म किया जाएगा, और जो दुकानें सील की गई हैं उन सील दुकानों को खोला जाएगा। और भी केवल इतनी नहीं है, व्यापारियों की तो बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं पूरे व्यापारी समाज से कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत कीजिए, अपने भाई पे भरोसा कीजिए, व्यापारियों को अच्छा माहौल देंगे व्यापार करने के लिए। दसवां, रेड़ी पटरी वालों को बहुत दिक्कत होती है, MCD वाले बहुत परेशान, MCD के लोग बहुत परेशान करते हैं, उनके लिए भी जोन्स बनाए जाएंगे, वेंडिंग जोन्स, जो MCD की वजह से अभी तक पास, दिल्ली सरकार ने तो नीति 2-3 साल पहले बना दी थी लेकिन MCD ने उसको लागू नहीं किया। वेंडिंग जोन बनाएंगे, उनको प्रॉपर लाइसेंस देंगे और उनको साफ सुथरे वेंडिंग जोन बनाएंगे, उनको भी
भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे, कोई उनसे पैसे वसूली नहीं होगा, उनको एक लीगल कानूनी तौर पे उनको ज़िंदगी जीने का अधिकार देंगे। तो मोटे मोटे तौर पे ये 10 गारंटीज हैं। अगर आपके 2-3 प्रश्न हैं कोई तो बता दीजिए। वचन पत्र था, शपथ पत्र था, पिछला शपथ पत्र था, वो शपथ पत्र तो कूड़े में फेंक दिया, अब ये वचन पत्र लेके आए हैं, ये भी कब 7 तारीख को नतीजे, 8 तारीख को कूड़े में फेंक देंगे। वो दे ही नहीं सकती एमसीडी, वो तो डीडीए करती है, वो तो इनसे हम करा लेंगे, आप चिंता ना करो। हैं इस बार बीजेपी की 20 से कम सीट आएंगे, कहो तो मैं लिख के दे देता हूं।